उसके बाद वो जो ग्वालवाल था लड़का, उनके नाम था गोप कुमार। गोप कुमार ने कहा कि मैं हूँ गोप कुमार, श्रीमती राधारानी मुझे आज्ञा दिया कि एक मेरा भक्त आ रहा है, वो उसको तुम प्रसाद देना, प्रसाद खिलाना, उसको तुम सेवा शुश्रूषा करना। मैं राधारानी के प्रेरणा से ही तुम्हारे इंतजार में हूँ। उस ब्राह्मण ने गोप कुमार को पूछा, मेरा साध्य साधन तत्व बतलाइए, मैं क्या करूँ, मेरा जीवन के लक्ष्य क्या है, मैं तो गोपाल जी का मंत्र जप करते करते मेरे ऐसा भाव हो जाते हैं। तब गोप कुमार ने अपने जीवन का पूरा वृत्तांत, तो संपूर्ण कथा इन आगंतुक ब्राह्मण को बतलाया, क्योंकि ब्राह्मण के ऊपर कृपा करना चाहते हैं। जब कोई कृपा करना चाहते हैं कोई महापुरुष, तो अपने बारे में वो बतलाता है कि वो किस प्रकार भगवान की कृपा प्राप्त किया और इस स्थिति में वो कैसा पहुँचे, अपने जीवन चरित्र से वो समझाने का प्रयास करते हैं। तो गोप कुमार भी ठान ले लिया कि आगंतुक ब्राह्मण को जो भगवत कृपा प्राप्त हो चुका, महान वैष्णव बन चुके हैं ऑलरेडी, उन वैष्णव को मैं जो भी उसके अंदर कमियां हैं उसको अपने जीवन चरित्र बता करके उसको पूरा कमी दूर करूँगा, और श्री राधा रानी की तो आज्ञा है ही कि उसको तुम सेवा शुश्रूषा करो, उनको अर्थात उनको जो भी चीज़ का कमी है ज्ञान का भक्ति का वो तुम पूरा करो। गोप कुमार ने कहने लगे, देखो ब्राह्मण, मैं इस ब्रज का ही बालक हूँ, मेरा घर गोवर्धन के तलहटी पे है, भगवत कृपा से मेरा ये शरीर पहले जैसा ही बने हुए हैं, विकृत नहीं हुई है। मैं इसी गांव में ही अर्थात ब्रज में ही मैं रहता हूँ और गायों को इस बारह वन को घुमा घुमा करके इनको चराता हूँ। चराते चराते मैंने एक दिन एक शुद्ध महात्मा का दर्शन किया कि वह महात्मा बहुत बुजुर्ग थे और राधा कृष्ण की सेवा में तल्लीन हुआ करता था। मैं उनके प्रति मेरा एक लगन हो गया और लगन से मैं प्रतिदिन उनका दर्शन किया करता था। वो भी मुझे दर्शन करते थे, कभी कभी मुझे गले मिलते थे, कभी कभी मुझे वो प्रणाम करते थे, मेरा स्तुति करते थे कि तुम तो ब्रजवासी हो, तुम तो श्री कृष्ण के अति प्रिय हो, इस प्रकार वो मुझे प्रशंसा भी किया करते थे। उनके प्रति मेरा एक लगन हो गया। एक दिन का बात है, उनका मन में ना जाने क्या हुआ, मुझे केसी घाट में स्नान करा करके एक मंत्र उपदेश किया, दस अक्षर का मंत्र उपदेश किया, और मंत्र उपदेश करते करते वो मूर्छा दशा को प्राप्त कर लिया, अर्थात श्री राधा कृष्ण के प्रेम में विभोर हो गया, भाव राज्य में प्रवेश कर लिया। मैं भी थोड़ा बहुत डर गया कि इनको अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, तो थोड़ी देर बाद धीरे धीरे उनके बाह्य दशा प्राप्त हुई, लेकिन होने के बाद भी उनके मन बहुत शांत स्वभाव में पड़े हुए थे। मैं उनके इस दशा को देखते हुए मैं उनसे कोई वार्ता नहीं किया और वो भी मुझे कुछ नहीं कहा। उसके बाद मैंने ना तो उनको देखा ना वो मुझे देखे। मुझे उनसे सीखना था जो मंत्र उन्होंने मुझे दिया है वो क्या है, ये गीत है, गाना है, मंत्र है, इसको कैसा प्रयोग करना, कैसा सिद्ध कर जप करना, मुझे कुछ विधि निषेध मालूम नहीं है। लेकिन मैं उनके प्रति बहुत श्रद्धा रखता था, इसलिए उनके द्वारा दिया हुआ मंत्र को निष्ठा के साथ प्रतिदिन जप किया करता था। उन जप के प्रभाव से मेरे हृदय में संपूर्ण संसार वासना मुक्त हो चुका है। मैं घर छोड़ करके और वन वन में घूमने लगे। घूमते घूमते एक वन में एक वृद्ध ऋषि साधु वैष्णव को देखा कि वो शालिग्राम जी की अर्चन पूजा में मग्न थे, उनके सात्विक विकार से उनके शरीर परिपूरित था।
उन्होंने उस स्थान पे गुप कुमार उस स्थान पे बैठ गया और देखने लगे। उनको पूछा ये क्या है, कौन है, तो कहा कि ये जगदीश्वर है। जगदीश्वर मतलब सबके स्वामी, तुम्हारे भी स्वामी, तुम जिस मंत्र को जप करते हो वही इष्ट देव है। तो गुप कुमार को बहुत अच्छा लगा कि यार मेरा जगदीश्वर यही है, मैं जिनका उपासना करता वो वही है। बहुत प्रेम से उनका दर्शन करने लगा। वो वैष्णव पूजा खत्म करके एक लकड़ी के बक्स में उस शालिग्राम को रख दिया, क्योंकि शालिग्राम जो वहन करते हैं वो छोटे से बक्स में रखते हैं। तो जब शालिग्राम को छोटे से बक्स में रख दिया और बक्स बंद कर दिया, तो गुप कुमार बहुत जोर जोर से रोने लगे, हाय हाय मेरा जगदीश्वर को छोटे से बक्स में बंद कर दिया, वो पैर फैला नहीं सकते, वो श्वास नहीं ले सकते हैं, वो कैसा वहाँ पे अपना जीवन धारण करेंगे, जोर जोर से रोने लगे। तो ब्राह्मण जो वैष्णव सेवा कर रहे थे वो समझ गए कि ये बहुत उच्च लेवल का भाव दशा प्राप्त एक महापुरुष ये लड़का, किसी कारण से उसका भाव उत्पन्न हो गया, हो सकता है भगवत कृपा हो गया, तो उसको मैं सही जगह को भेजना है। उन्होंने ये सोच करके कि देखो बच्चा, मेरे पास जो साधन है मैं उसी हिसाब से प्रभु का सेवा करता हूँ, मेरा छोटा सा लकड़ी का बक्सी है, मैं बक्स में सेवा करता हूँ, तुम्हें अगर प्रभु जगदीश्वर का संपूर्ण सेवा को दर्शन करना है ना, कि इस गंगा के पार तीर तट पे एक राजा का महल, राज दरबार है, राजमहल है, उस राजमहल में चले जाओ, वहाँ पे तुम्हारे जगदीश्वर का सही ढंग से सेवा होता है। वहाँ पे जाते हैं चतुर्भुजधारी शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान को एक विशाल मंदिर के अंदर देखा, सैकड़ों सेवकों ने उनका सेवा कर रहा है, कोई गा रहा है, कोई बजा रहा है, कोई उनको पंखा झुला रहा है, कोई आरती कर रहा है, मतलब जैसा राजाधिराज महाराज का होता है वैसा ही। बहुत प्रसन्न हुई और उस राज्य में बहुत प्रसन्नता के साथ रहने लगे, और मन में आया कि मैं कब ऐसा जगदीश्वर का सेवा कर सकूँ जैसा राजा करते हैं, मैं भी उनका एकदम अंग सेवा करना चाहता हूँ, उनके आरती करना चाहता हूँ, उनके पर्सनल सेवा करना चाहता हूँ। ऐसा भाव करते ही कुछ दिन के बाद उस राजा शरीर त्याग कर लिया, और राजा के कोई उत्तराधिकारी ना होने के कारण सर्वसम्मति से इस गुप कुमार को उस राज्य की राजा बना दिया गया। राजा बन के वो बहुत भाव से प्रेम से श्री जगदीश्वर अर्थात भगवान श्री नारायण का सेवा करने लगे, लेकिन राज वैभव उनके मन में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। और इस प्रकार काफ़ी दिन चल जाते हैं ऐसा। तो ऐसा एक दिन उन्होंने सोच रहा है गुप कुमार कि मैं जो भगवान को भूख लगाता हूँ, या यहाँ पे जो भगवान को श्री मेरा जगदीश्वर का भूख लगते हैं, उसको अगर कोई दूसरा प्राणी छू देता है, अर्थात कोई ब्राह्मण नहीं ऐसा व्यक्ति छू देता है, क्षत्रिय वैश्य छू देता है, तो आगंतुक ब्राह्मणों ने वो प्रसाद को खाना खाते नहीं, प्राप्त नहीं करते, नहीं इसको तो दूसरा कोई छू दिया है, इसको तो ऐसा ही रख दिया है। तो प्रसाद को इस प्रकार अवहेलन को देखते हुए उनके मन में बहुत शुभ हुआ, अरे प्रभु के अधरामृत को इस प्रकार कोई छू देने से कोई खराब हो जाता है, प्रभु के जैसे शक्तिशाली प्रभु का प्रसाद, प्रसाद का महिमा प्रभु की महिमा है। उनके मन में शुभ हुई, दुख हुई। तब तक एक साधुओं का टोली वहाँ से जा रहा है, वो लोग जगन्नाथपुरी जा रहा है। तो जगन्नाथपुरी के बारे में उनको पहला ज्ञान नहीं था, जगन्नाथपुरी कौन है, बोला जगदीश्वर का बड़ा मंदिर है, वहाँ पे उनका प्रसाद का बहुत महिमा है, कुत्ता खा रहा है जो थाली पे वही थाली पे वैष्णव खाते हैं, उसका प्रसाद बासी होने से जूठा होने से कोई प्रकार दूष नहीं लगते है। इस प्रकार प्रसाद के महिमा जब इस साधुओं से सुना और भगवान श्री जगन्नाथ की महिमा सुनने से गुप कुमार का मन में श्री जगन्नाथ दर्शन का लालसा उत्पन्न हो गया, और कुछ ही दिन में राज दरबार को त्याग किया, किसी हैंडओवर करके किसी में किसी को, और चल पड़ा जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए। कुछ दिन में जगन्नाथ जी में जाके पहुंच गया, चंद्रवदन भगवान श्री कमल नयन को दर्शन करके तो हल्लादित हो गया, गदगद हो गया, पुलक आंसू से रोमांचित हो गया, भाव राज्य में पहुंच गया, एकदम उनके पैर ठीक से चल नहीं पा रहा है, गरुड़ स्तंभों को पकड़ करके किसी भी रूप में वो जैसा जैसा खड़ा हो गया।
और भाव इतना प्रगाढ़ हो गया कि जगन्नाथ को गले लगाने के लिए अंदर दौड़ने गया, मतलब अंदर के और जाने का प्रयास किया। जगन्नाथ के सेवकों ने उनको छुरी बेत्र लगा करके मार करके उनको वहाँ से भगा दिया। उनको थोड़ा बहुत लज्जा भी हुई कि मैं जगन्नाथ के अंदर कैसे जा सकता हूँ, मुझे जाना नहीं चाहिए था। इस प्रकार वो बाहर आ गया।